नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज का तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्रेडिट स्कोर होता क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो आपको तब मिलता है जब आप क्रेडिट लेते हैं। यानी कि क्रेडिट स्कोर होने के लिए सबसे पहले आपका क्रेडिट लाइन होना जरूरी है। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास कोई लोन होना चाहिए, कोई बाइक लोन, कोई कार लोन, कोई होम लोन। अगर आपके पास कोई लोन होगा तभी तो आपका जो है क्रेडिट का हिस्ट्री बन पाएगा, तभी आप उस क्रेडिट के बेसिस पे आप स्कोर ले पाओगे। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी इस फील्ड में नए हैं, जो अभी अभी यंग हैं, अभी अभी जॉब में आए हैं। तो दोस्तों, ये जो क्रेडिट स्कोर है, जब आप कुछ लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कार लेने जाते हो, तो वहां सबसे पहले आप प्रॉब्लम एनकाउंटर फेस करते हो। प्रॉब्लम जो फेस करते हो वो ये होती है कि आपका सबसे पहले क्रेडिट स्कोर चेक किया होता है। लेकिन जब आप ये देखते हो कि आपने अभी तक कोई लोन ही नहीं लिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता है, तो वहां से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ऑल्दो फ्रेश क्रेडिट स्कोर में भी लोन दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, उसके लिए आप कायदे से तो देखिए ये होना चाहिए कि हमेशा जो है लोन से लोगों को बचना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में डेट जो है एक ऐसी चीज बन चुका है जिससे बचना अब उतना आसान रहा नहीं है। आपको कार लेना है, आपको बाइक लेना है, आपको घर लेना है, आपको इवन कुछ इंश्योरेंस भी ऐसे हैं जो आपको ईएमआई पे मिलते हैं, या कुछ आपको बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज करना है तो वो भी आप जो है क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे जरूरी है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। वो क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनेगी? आपके लोन लेने से बनेगी। तो दोस्तों, आपको जो है शुरुआत करनी चाहिए छोटे लोन के साथ, और उसको रेगुलरली आप जैसे एक आप छोटा सा क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, मान लीजिए 5-10 हज़ार की लिमिट का, उसको आप थोड़ा थोड़ा यूज करें और उसकी एग्जैक्ट टाइमली, यानी कि टाइम से 2-3 दिन 5 दिन पहले उसकी पेमेंट करें। उस केस में क्या होगा, आपकी जो है क्रेडिट की हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी, आपके क्रेडिट के पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो आगे आपको बड़े लोन लेने में, अगर मान लीजिए आपको घर खरीदना है तो वहां आपको लोन लेने में ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों, क्रेडिट हिस्ट्री आपको जो है सबसे पहले बनाना है अगर आप यंग हैं, और अगर आप ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हैं तो आप क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप क्रेडिट हिस्ट्री, कई बार होता क्या है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय मिस्टेक आपके क्रेडिट हिस्ट्री को गड़बड़ से गलत कर देते हैं, उसमें कोई ईएमआई ऐसा चढ़ा देते हैं जिसका पे नहीं हुआ, और लेकिन एक्चुअल में वो पे हुआ होता है, या किसी और का लोन जो है आपके लोन पे चढ़ा दिया, आपके क्रेडिट स्कोर पे चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री है जो खराब हो सकता है। और आज आप एक बड़ा चीज परचेज करने जाते हो, और जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपके सामने एक बम फोड़ देता है कि जी आपका तो क्रेडिट स्कोर किसी काम का नहीं है। और जब आप उसको चेक करते हो तो आपका सिर घूम जाता है कि ये तो मेरी ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो उस केस में दोस्तों, उस ट्रांजेक्शन को ठीक करने के लिए जब आप क्रेडिट स्कोर वाली कंपनी से माथापोड़ी करते हैं, तो आपको कम से कम उसमें 1 से 1.5 महीना लग जाता है उस स्कोर को ठीक करने में, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है नए बंदों के लिए, वो अपना क्रेडिट बनाना, स्कोर बनाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जो है लोन लेना शुरू करें और उसकी रीपेमेंट करें, छोटा सा एक क्रेडिट कार्ड बनवाएं, उसको टाइमली रीपे करें। और नंबर दो, जिनका बन चुका है वो अपना इस पे लगातार नजर रखें। अब नजर रखने की जब इसमें बात आती है दोस्तों, तो जब आप किसी कंपनी से आप अपना क्रेडिट स्कोर मांगते हो, या आप बैंक के थ्रू क्रेडिट स्कोर मांगते हो, तो 500 से 600 रुपये बैंक उस पे, और प्लस जीएसटी अलग से जो है बैंक उस पे मांग लेता है, यानी कि 700 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक के आसपास का खर्चा आ जाता है आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने में। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वन कार्ड करके एक
मोबाइल का ऐप है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने भी कर रखा है। अब वहां पे रजिस्टर करेंगे तो वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे आपका डिटेल्स लेगा। जब आप वो डिटेल प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपको आपका क्रेडिट स्कोर इंक्लूडिंग योर जो लोन आपने लिए हैं और किस किस का कैसे पेमेंट हुआ है, कौन कौन से लोन आपके जो पैन नंबर पे बोल रहे हैं, वो सारे वहां पे आपको दिखा देगा और इवन कुछ सजेशंस भी देगा जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह जब आप देखते हैं तो एक तो क्रेडिट हिस्ट्री बनाना हमारे यंग दोस्तों के लिए और दूसरा जो हमारे मित्र ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं उनके लिए इस पे रेगुलर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी दिन इसको एक्चुअल में यूज करने जाते हैं तो उस दिन ये आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है जब आप ये देखते हो कि आपके क्रेडिट स्कोर पे गलत ट्रांजैक्शन चढ़ी हुई है जो आपकी है ही नहीं। ऐसा हो जाता है और ऐसा नॉर्मली होता है। तो जब आप इस पे वन कार्ड पे आप रजिस्टर करेंगे तो ये आपको एक्सपीरियन और सिबिल दो कंपनियों का क्रेडिट स्कोर आपको दिखाएगा और दोनों में इम्प्रूवमेंट के तरीके भी बताएगा कि आप इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।